ये जय साहब आपकी लाइन खुल चुकी है कुनिहार। ये है बंदे, एक बंदे, ये एक, ये आपका चैम्बर, पहला चैम्बर ये भी खाली कर दिया है सर। तो ये निकली है आपकी बोरी। ये जो कुनिहार हॉस्पिटल के सामने आप देख ही रहे, जो अभी आपने वीडियो भी बनाई है, लोग भी बना रहे, लोग आते जाते यहाँ से, जो भी जा रहा है मुंह पे हाथ रख के जा रहा है, यहाँ बहुत गंदी स्मेल फैली हुई है। और जो ये जो सीवरेज का एक चैम्बर यहाँ लीक हो रहा है, वो पिछले 5-6 दिनों से समस्या यहाँ चल रही है, मगर अभी तक इसका कोई सुध लेने वाला नहीं आ रहा है, कोई इसकी मरम्मत नहीं कर रहा है। और यहाँ सामने हॉस्पिटल है, दुनिया भर के लोग यहाँ मरीज आ रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए, तो यहाँ तो दूसरी बीमारी फैलने का और खतरा है। यहाँ पर सीवरेज चैम्बर जो लीक हो रहा है, दुनिया भर की यहाँ स्मेल फैल रही है, दुनिया भर की यहाँ दुकानें इधर उधर, यहाँ सामने बस स्टॉपिज है, रेन सेल्टर है, यहाँ लोग बसों के लिए खड़ते हैं, सामने हॉस्पिटल में लोग आते हैं, मगर जाए कहाँ, यहाँ तो बीमारी फैलने का खतरा है और मुंह पे लोग हाथ रख के यहाँ से जा रहे हैं। तो मेरा इनसे अनुरोध है कि वो इसे जल्दी से जल्दी इसकी कोई मरम्मत की जाए, इसकी सुध ली जाए। मैं पवन ठाकुर डिपार्टमेंटल कुनिहार से, मेरा जो बिजनेस है केमिस्ट शॉप नियर हॉस्पिटल, और यहाँ से 4-5 दिन से जो सीवरेज का जो है ये चैम्बर लीकेज कर रहा है, इनको बार बार जेई को एसडीओ को इनको भी बोल चुके हैं, और ये आते हैं थोड़ा देर मतलब हल्का फुल्का काम करते फिर चले जाते हैं। सवेरे से कहते हैं यहाँ मतलब दुकानें खुली है, लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया हुआ है, इतनी सीवरेज की बदबू है कि यहाँ खड़े होना भी मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और कृपया करके आज प्रशासन से, अपने डिपार्टमेंट से, कंसर्न डिपार्टमेंट है आईपीएच के अंडर आता है, इसे जरा मतलब प्रॉपरली जो है इसको मेंटेन और फ्रेशिंग किया जाएगा, नहीं अदरवाइज हमारे को यहाँ दुकानदारी करी मुश्किल हो रही है, लोगों का आना जाना ये हो गया। मैं अदरवाइज इसको हाईलाइट और करूँगा, अगर ये एक दिन इस मतलब आज के दिन अगर ये कार्रवाई ठीक नहीं होती है, पूरा डिपार्टमेंट इकट्ठा करके हम यहाँ डिपार्टमेंट के जो है अगेंस्ट नारे लगाएंगे। धन्यवाद करता हूँ।